हमारे संविधान में समस्त नागरिकों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु विशेष व्यवस्था की है। उन्हें अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान की है। हर किसी के हित की रक्षा हो, ऐसा विधान है। सबको जोड़कर रखे, ऐसा हमारा संविधान है। हमारी सरकार गठन के बाद हमने संकल्प लिया था आपसे कि किए हर वादे को हम पूरा करेंगे, और हमने वादा किया था राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रतिष्ठित मांग को पूरा करते हुए हमारे सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से राज्य में पुराना पेंशन योजना को लागू कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान है और वे अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं। हमारी सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने एवं सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए तय आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से संबंधित दोनों विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया है। हमारी सरकार संविधान के मूल भावना के अनुरूप गरीब, पिछड़ों, दलित, अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा हरा राशन कार्ड, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना, फूलो जहानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना, छात्रवृत्ति योजना, सर्वजन पेंशन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों तथा जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा रहा है। हमारी सरकार की हमेशा यह सोच रही है योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को मिले, इसके लिए हमारी सरकार विगत वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया। राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत हर जरूरतमंद को अपनी जीविका को सुदृढ़ करने हेतु गांव, टोला, हर घर, हर दरवाजे तक पहुंचकर विकास योजनाओं से लाभान्वित किया है। इस कार्यक्रम में लगभग 55 लाख लोगों ने अपने आवेदन समर्पित किया है एवं उनका संचालन से सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है। राज्य सरकार शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम कृत संकल्प हैं। हमारी कोशिश है कि हम आने वाले दिनों में 100% नामांकन के साथ गुणवत्तापूर्ण अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। इससे झारखंड एक शिक्षित एवं समृद्ध राज्य की श्रेणी में आएगा। मुझे आप सबको यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंकों का इजाफा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए की बहुत पुरानी मांग को मानते हुए वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत 46% मदरसों एवं 33 प्रस्कृत संस्कृत विद्यालयों के लिए अनुमान्य अनुदान की राशि को बढ़ाकर दुगुना कर दिया है। राज्य के वैसे छात्र जो 10वीं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को बैंकों के माध्यम से 4% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 15 लाख की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, रिसर्च, आईआईटीज, आईआईएम जैसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। झारखंड के युवाओं को
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उन्हें निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य शिक्षा प्रशिक्षण योजना का भी शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के विद्यार्थी यूपीएससी जेपीएससी कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य भर्ती एजेंसी जैसे बैंकिंग रेलवे भर्ती बोर्ड आदि द्वारा ग्रुप ए बी और सी हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग की सुविधा एवं सहायता की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग मेडिकल विधि फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइनिंग जनसंचारण चार्टर्ड अकाउंटेंट ICWA जैसे संबंधित प्रवेश परीक्षा के तैयारी हेतु भी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाएगी तथा कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि के रूप में 2,500 रुपये प्रतिमाह भुगतान DBT के माध्यम से किया जाएगा। झारखंड राज्य की प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। राज्य की मानव संसाधन का समुचित उपयोग अब तक नहीं हो पाया है, इसलिए राज्य के युवाओं को रोजगार पाने अथवा स्वरोजगार योग बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 2,00,000 युवकों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हमारी सरकार ने राज्य की बालिकाओं के कल्याण हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना प्रारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिका को 40,000 रुपये तक की सहायता की राशि प्रदान की जा रही है।